नीतू बहुत ही सीधे और सरल स्वभाव की थी और उसको जीवन के दांव पेच कुछ कम समझ आते थे। नीतू को जब देखने लड़के वाले आए थे तो भी नीतू कुछ ज्यादा बोल नहीं पाई थी और किसी ने खूब कहा है कि शब्दों से जाहिर न करना किसी के वजूद की पहचान। हर कोई इतना कह नहीं पाता जितना महसूस करता है और ये कहावत नीतू पर बिल्कुल सटीक बैठती थी। लड़के वालों को नीतू की सादगी पसंद आ गई और बात पक्की हो गई। शादी के बाद पहली दिवाली आई तो नीतू की सास सीमा जी, जो बहुत ही सुलझे हुए विचारों की थीं, वो बोली कि नीतू कल हम बाजार चलेंगे और नेहा के ससुराल में जो भी दिवाली के तोहफे देने हैं वो खरीद लाएंगे। पहले मैं अकेली जाती थी, अब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। नीतू सास के साथ गई तो वो बहुत बड़े बड़े शोरूम्स पर उसे ले गई गिफ्ट्स खरीदने के लिए और कपड़े लेने के लिए। क्योंकि नीतू मिडिल क्लास से थी तो वो कभी ऐसी जगहों पर नहीं गई थी तो उसको बहुत अच्छा लग रहा था। सब उसकी सास की इज्जत कर रहे थे क्योंकि वो उनके यहाँ अक्सर आया जाया करती थी। जहाँ ये सब नीतू को अच्छा लग रहा था वही उसका दिल बैठा जा रहा था कि उसके मायके वाले इन सब की बराबरी कैसे करेंगे। क्योंकि दिवाली के बाद भैया दूज थी और जब उसकी ननद के लिए इतना सब हो रहा था तो उनको भी शायद उम्मीद हो जाए। नीतू ने बातों बातों में अपने घर पर ये बात रखी तो उसकी माँ, जो की एक विधवा थी, उन्होंने अपनी चूड़ियाँ गिरवी रखकर नीतू के लिए गोल्ड बनवा दिया और दिवाली पर उसके भाई भाभी को सामान लेकर भेजा। सबने खाना खाया और नीतू किचन में बर्तन रखने गई तो सीमा जी ने दीपक, नीतू का भाई, से एक बात कही। बेटा, अगर बुरा न मानो तो एक बात कहूँ। जी आंटी जी, कहिए। ये जो भी कुछ तुम लाए हो वो मैं जानती हूँ अपने सामर्थ्य के बाहर से लाए हो, क्योंकि हर लड़की अपने मायके का मान चाहती है अपने ससुराल में। पर मेरा निवेदन है कि 250 रुपए और एक मिठाई के डिब्बे से ज्यादा मैं कुछ नहीं रखूंगी, क्योंकि भाई का हक होता है बहन को देना। इसलिए ये शगुन और तुम दोनों का प्यार हमेशा मीठा बना रहे, इसलिए ये मिठाई काफी है। दीपक के मना करने पर भी उन्होंने सादर वो सामान वापस कर दिया, क्योंकि वो जानती थी कि वो सामान उन्होंने अपनी चादर से बाहर जाकर खरीदा है। दोस्तों, सही कहते हैं, सबकी प्यार किसी दुकान पर नहीं मिलता, बस महसूस करो तो अपने अंदर ही है। नीतू रोने लगी और अपनी सास के गले लग गई। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।